आइए, कुछ होमवर्क दिया गया था, उन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट नंबर टू हम लोग करते हैं। 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? ठीक है ना। तो हमें यहाँ क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमने मान लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। कौन छोटा है? सोनू छोटा है। कौन बड़ा है? नूरी बड़ी है। कैसे पता? ऐसे पता कि सोनू की जो उम्र है 5 साल पहले और जो नूरी की जो उम्र है 5 साल पहले, उनमें ये रिलेशन है कि सोनू की उम्र का 3 गुना करने पर नूरी की उम्र मिल जाएगी। तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 3 × y-5। वाई माइनस फाइव क्या है? सोनू की उम्र है। और एक्स माइनस थ्री किसकी उम्र है? नूरी की है। तो y माइनस फाइव में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस फाइव मिल जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब 10 साल बाद नूरी की उम्र क्या हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी। और सोनू की भला क्या हो जाएगी? y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, तो सोनू की उम्र का डबल कर देने पर किसकी उम्र मिल जाएगी? नूरी की उम्र मिल जाएगी। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू टाइम्स दैट ऑफ y प्लस 10। और इसकी मदद से ये क्या हो गया, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, है ना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा? देखिए, x माइनस थ्री वाई माइनस 10 है इक्वेशन नंबर 1, और ये x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10 है इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इक्वेशन नंबर 2 को, तो यह माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, और ये प्लस टू वाई और यहाँ पर माइनस थ्री वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस 10 और ये माइनस 10 हो जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -20, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। दिस आई वी नो एज इक्वेशन नंबर 3। यानी सोनू की प्रेजेंट उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। अब कोई सा भी इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 को ही ले लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वाई की वैल्यू 20 रख दीजिए, तो यहाँ पर 20 × 3 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू -10, तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो नूरी की उम्र 50 वर्ष है और सोनू की उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। चेक कर लिया जाए, 5 साल पहले ये 45 वर्ष के रहे होंगे, ये 15 वर्ष के रहे होंगे, तो 15 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45 मिल जाएगा। 10 साल बाद ये साहब 60 साल के हो जाएंगे, ये 30 साल के हो जाएंगे, तो 30 का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 60 मिल जाएगा। तो क्रॉस चेक हो गया आंसर। अब आइए यहाँ पर देखिए, इक्वेशन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 9। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो मान लीजिए यूनिट प्लेस पर एक्स है और 10 प्लेस पर क्या है? वाई है। तो उन दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स कर दिया जाए तो यह इक्वल है किसके? आल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर डिजिट वाई एक्स कर दिया जाए तो वो जो नंबर मिल रहा है उसका ट्वाइस अगर कर दिया जाए तो वो पुराना वाला नंबर मिल जाएगा। तो फाइंड द नंबर के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए आइए देखते हैं। लेट द यूनिट एंड 10 डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस पर एक्स है और 10 प्लेस पर क्या है? वाई है। तो नंबर क्या हो जाएगा? 10y+x के बराबर हो जाएगा। और अगर रिवर्स कर दिया जाए, पलट दिया जाए, 10 प्लेस पर एक्स आ जाए और यूनिट प्लेस पर वाई आ जाए, ठीक है ना, तो नंबर की वैल्यू ये हो जाएगी।
10x। अब जैसे मान लीजिए आप जब 23 लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, 20 प्लस 3। आप 20 प्लस 3 को आप 2 × 10 + 3 × 1 भी तो लिख सकते हो, है ना। तो यानी 2 में जो है 10, उसके 10 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो यूनिट प्लेस पर है उसमें यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर y 10 प्लेस पर था तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, और x यूनिट प्लेस पर था तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये स्क्वायर्ड कर दिया। तो दिस टर्न्स आउट टू बी व्हाट, दिस टर्न्स आउट टू बी द नंबर। और ये रिवर्स कर दिया फिगर्स को, यूनिट प्लेस पर y को कर दिया और 10 प्लेस पर x को कर दिया, तो ये जो मिला ये आपका जो है नंबर है। अब इन दोनों को जो है, इनके जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स, जो फिगर्स नंबर को बना रहे हैं, यूनिट प्लेस और 10 प्लस, उनका सम कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई क्या है, 9 है। और जो नया नंबर है, जो नया नंबर है वो 10x प्लस वाई है, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स है, उसका 2 टाइम्स जो है पुराने वाले नंबर का 9 टाइम्स के बराबर। तो उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पुराने वाले नंबर में, ठीक है। तो ये रिलेशन बना और इसे हल किया गया तो -x + 8y = 0 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, एक्स का क्वेश्चन यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, तो दोनों को अगर सीधे सीधे अगर ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट विल टर्न आउट टू बी 0। तो बस केवल आपको ऐड कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 9y = 9, तो y = 1 हो जाएगा। अब y की यह 1 वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 1 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। तो वह नंबर क्या हो गया, वह नंबर 10y + x = 10 × 1 + 8 = 18 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो द नंबर इज 18। अब आइए पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2,000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। मीना जो है ₹2,000 बैंक से निकालने के लिए गई और उसने कैशियर के सामने शर्त रख दिया कि भैया हमको कुल 50 और 100 के नोट ही चाहिए, ठीक है। अब कुल नोट उसको क्या मिला, 25 मिला, 50 और 100 के जितने जितने नोट्स मिले वो कुल मिला के 25 मिले, ठीक है। तो अब आपको प्राप्त करना है कि उसको कितने 50 के नोट मिले और कितने 25 के 100 के नोट मिले, ठीक है। तो मान लीजिए 50 के नोट कितने मिले, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड ₹100 नोट्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्यों, दोनों नोटों की संख्या मिला कितना हो जाएगा, 25। अब ₹50 के एक नोट का दाम वैल्यू 50 है, तो x नोट का वैल्यू कितना होगा, 50 × x, और ₹100 वाले के एक नोट का वैल्यू जो है 100 है, तो y नोट्स का कितना होगा, 100 × y होगा। तो दोनों की वैल्यू को जोड़ दें तो ₹2,000 आना चाहिए, क्योंकि वो ₹2,000 निकालने गई थी, ठीक है। तो इससे बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए x का क्वेश्चन 50 है, यहाँ पर x का क्वेश्चन 1 है, यहाँ पर x का क्वेश्चन 100 है, यहाँ पर y का क्वेश्चन 100 है और यहाँ पर y का क्वेश्चन 1 है। तो कुछ घटाने जोड़ने से ये कटने वाला नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों साइड में 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x + 50y = 1250 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से घटा दीजिए तो 50x और 50x कट जाएगा और 100y में से 50y अगर घटेगा तो क्या आ जाएगा, 50y आ जाएगा और 2000 में से 1250 घटेगा तो 750 आ जाएगा, एंड दिस यील्ड्स अस y = 15। और y = 15 इक्वेशन नंबर 1 में रखे तो x = कितना आ जाएगा, x = 10 आ जाएगा। तो मीना जो है 100, मीना हैज 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड 15 नोट्स ऑफ ₹100, ठीक है। तो सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन के बारे में। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter.
सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज वाइल सुजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। कोई लाइब्रेरी है जो लेंड करती है किताबों को, तो उसका 3 दिन का अपना फिक्स चार्ज है और फिर हर डे का एक फिक्स चार्ज है हर दिन के लिए, ठीक है। तो सरिता ने जो किताब लिया था उसको जब वापस करने गए तो 2,700 रुपये उसको किराया देना पड़ा और जो है सूजी ने 2,100 रुपये दिया। तो निश्चित रूप से वो सूजी ने 5 डेज रखा और सरिता ने 7 डेज रखा। तो आपको बताना है फिक्स चार्ज क्या है और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड ईच डे चार्ज देयर आफ्टर बी रुपीज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एक्स प्लस 4y = 27, क्यों भाई? अगर इन्होंने जो है 5 दिन तक रखा है, 5 दिन तक रखा है, सॉरी एक मिनट, कितने दिन इन्होंने 7 दिन तक रखा है, तो इसमें 7 दिन में 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 टुकड़े मतलब 4 दिन और 3 दिन का। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज इन्होंने दिया, तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो रुपये एक्स है, फिर जो बचे 4 दिन तो हर दिन वाई रुपये दे रहे हैं, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। दोनों को इनको जोड़ दिया जाए तो दैट हैपेंस टू बी इक्वल 27, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सूजी के बारे में आइए, 5 दिन का उसने चार्ज कितना दिया, 21। 5 दिन को हम 3 डेज प्लस 2 डेज कर देंगे, 3 डेज का फिक्स चार्ज एक्स है और 2 डेज का चार्ज कितना है, 2y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सीधे सीधे घटा दीजिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2y इज इक्वल टू एक्स, एक्स तो कट जाएगा, 4y में से 2y घटेगा तो 2y हो जाएगा, 27 में से 21 घटेगा तो 6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इन्होंने इक्वेशन नंबर 1 में ही लिया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में रख करके सब्स्टिट्यूट किया तो x = क्या हो जाएगा, 15 हो गया। फिक्स चार्ज जो है ₹15 है और चार्ज पर डे क्या है, ₹3 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए उपाय तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, लेकिन उसी से एक नया मेथड निकल करके आएगा, वो उसको हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें इस इक्वेशन में थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a2 से, यहाँ पर a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इसमें a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 इंटू a2 आ जाएगा और यहाँ पर a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 इंटू a2 आ जाएगा, तो इसके क्वेश्चन बराबर हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, x को एलिमिनेट किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन 1 टर्न्स आउट टू बी a1 a2 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू b1y प्लस a2 इंटू c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डैश, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करिए तो a1 a2 x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डैश। और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कट गया, यहाँ पर y अगर कॉमन ले लीजिए तो a2b1 माइनस a1b2 प्लस a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 0, और इसको
उधर ले जाइए, और तो वाई इंटू बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन इज इक्वल टू क्या होगा, ए वन सी टू माइनस ए वन सी टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस ए टू सी वन। तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू हैपन्स टू बी इक्वल टू ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन डिवाइडेड बाई बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन। ठीक है, अब इस चीज को नीचे लाते हैं, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। वाई डिवाइडेड बाई, वाई डिवाइडेड बाई ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन इज इक्वल टू वन बाई बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन। दिस आई नेम एज इक्वेशन नंबर थ्री। अगर इस वाई की वैल्यू, सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर थ्री नाम दे देते हैं, इसको थ्री डैश नाम दे देते हैं। अगर इस वाई की वैल्यू को थ्री से, इक्वेशन नंबर थ्री से इक्वेशन नंबर वन में रखा जाए, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री इंटू इंटू इक्वेशन वन, वी हैव वर वी हैव ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, वाई इज इक्वल टू ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन डिवाइडेड बाई बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन, है ना, प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। और ए वन एक्स प्लस बी वन, है ना, ये बी वन ए वन सी टू माइनस बी वन ए टू सी वन डी प्लस एलसीएम भी ले लिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह सी वन बी वन ए टू माइनस सी वन बी टू ए वन होल डिवाइडेड बाय बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन इज इक्वल टू जीरो। अब बी वन ए टू क्या क्या कटेगा, सी वन सी वन, यहाँ पर ए वन है, यहाँ पर देखिए बी वन सी वन ए टू, बी वन सी वन ए टू ये कट जाएगा, और इन दोनों में से ए वन कॉमन हो जाएगा, तो ए वन एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन इंटू क्या हो जाएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइडेड बाई बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ए वन कॉमन लेकर के डिवाइड कर दीजिए जाए तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन डिवाइडेड बाई बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको इधर लाया जाए, है ना, तो अगर लाएंगे तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल देखिए इधर जाएगा तो ये वाला हिस्सा प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, बी टू
सी वन माइनस बी वन सी टू डिवाइडेड बाई बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन। ठीक है, अब इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई, इस पूरे को नीचे ले जाइए तो बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू इज इक्वल टू वन बाई बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन। दिस आई नेम एज इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर को देखिए, एक्स बाई बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू इज इक्वल टू वन बाई बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर थ्री डैश को देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड वन बाई बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन वन बाई है, तो यहाँ राइट हैंड साइड देखिए दोनों इक्वेशंस का क्या सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री डैश एंड फोर वी हैव, सो फ्रॉम इक्वेशंस, सो फ्रॉम इक्वेशंस थ्री डैश एंड फोर वी हैव, व्हाट वी हैव, एक्स डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय, वन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बी वन ए टू है ना, बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन, और एक्स के नीचे वाला क्या है, बी टू सी वन, यहाँ पर है बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू, और वाई के नीचे क्या है भैया, वाई के नीचे ए वन सी टू, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन है। अब देखिए यहीं पर जो है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें एक्स डिवाइडेड बाई है ना, ऐसे डिटरमिनेंट बी वन बी टू सी वन सी टू, अगर ऐसे ले लें, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर नीचे साइड में थ्रू आउट जो है माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, और यहाँ पर y डिवाइडेड बाई ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई बी टू ए वन माइनस बी वन ए टू हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई, ऐसे इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट है ना, मॉड नहीं डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और y डिवाइडेड बाई ऐसे डिटर्मिनेंट है ना, इज इक्वल वन डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, बी वन बी टू, यहाँ पर सी वन सी टू, यहाँ पर सी वन सी टू, और यहाँ पर ए वन ए टू, और यहाँ पर ए वन ए टू, और यहाँ पर बी वन बी टू। अब देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए जो आए, और फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए जो आए वो घटा दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दीजिए, उसी तरह से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दीजिए, उसी तरह दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दीजिए, तो आप देखिए बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन आ रहा है, यहाँ पर सी वन ए टू, सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू आ रहा है, यहाँ पर ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जा रहा है, ये देखने में आपको लेंदी लग सकता है लेकिन प्रैक्टिकली जब करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जैसे ये बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू अगर मालूम है तो नीचे वाले तो सब मालूम हो गए, तो यहाँ पर ये सब मालूम है तो ये पूरा मालूम हो जाएगा, तो y बाई दिस वन इज इक्वल दिस मच, तो y बराबर निकाला जा सकता है। ठीक है, x बाई दिस मच इज इक्वल दिस मच, तो आप x बराबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस का यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, आइए एक उदाहरण लेकर के समझाते हैं तो ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगा कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, ओके, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46,
और दूसरा इक्वेशन है 3x+5y इज इक्वल टू 74, मान लीजिए, ठीक है ना। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 2x+3y+, इसको इधर लाइए तो -46 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x+5y+-74 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर इसको अगर आप देखें, तुलना करें a1x+b1y+c1 इज इक्वल टू 0 से, ठीक है, और a2x+b2y+c2 इज इक्वल टू 0 से, तो a1 की जगह 2 है, b1 की जगह 3 है, c1 की जगह -46 है, a2 की जगह 3 है, b2 की जगह 5 है, c2 की जगह -74 है। लेकिन हम ठीक है, कंपैरिजन a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ रख देंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उससे भी सरल तरीका आपको बताने जा रहे हैं, और वो सरल तरीका है कि दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख दीजिए, 2x+3y+-46 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और उसके नीचे आप लिखिए 3x+5y+-74 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फिर आप यहाँ लिख दीजिए x/y, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए y/y, और यहाँ पर लिख दीजिए 1/y, यहाँ डिटर्मिनेंट बना दीजिए, यहाँ भी डिटर्मिनेंट बना दीजिए, यहाँ पर x वाले को ऐसे दबा लीजिए, y को उड़ा दीजिए, तो यहाँ क्या बचा, 3y बचा, और यहाँ पर -46 और -74 बचा, ठीक है। y अब आगे देखिए, तो ये -46 -74, और यहाँ पीछे देखिए 2 और 3, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x और y को उड़ा दीजिए, तो यहाँ 2 3 3 5, ऐसे कर लीजिए, तो कर लेंगे तो ये बड़े आराम से हल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x डिवाइडेड बाई अगर आप करें तो 3 × -74, 3 × -74, 3 × -74, और माइनस ये 5 है, ये 5 है, वाई नहीं था, 5 × -46 है ना, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -46 × 3 − 2 × -74 है ना, इज इक्वल टू 1/2 × 5 − 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, आप हल करके देख लीजिए, यह y डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, और यह 5 × 15 और 3 × 5 = 10, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, है ना, तो 10 में से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x/8 इज इक्वल टू y/10 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दबा लीजिए, तो y/10 = 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको दबा लेंगे तो x/8 = 1 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 8 आ जाएगा, ठीक है ना। सो इन दिस फैशन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये पूरा जो मेथड आपको बताया गया है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल अगले टर्न पे किया जाएगा, आज यहीं स्टॉप कर देते हैं।